A glass capillary tube of inner diameter 0.28 mm is lowered vertically into water in a vessel. The pressure to be applied on the water in the capillary tube so that the water level in the tube is same as that in the vessel. Surface tension is given and atmospheric pressure is given. The question हमको कह रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है और वाटर के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट की हुई है. तो कैपिलरी ट्यूब में वाटर राइज कर जाता है साइड तक. तो बोल रहे हैं कि हम कितना प्रेशर लगाएं कि ये जो राइज किया हुआ वाटर है ये वापस से सेम लेवल पे आ जाए, मतलब ऐसा कुछ दिखने लगे. ठीक बात है. तो मेरे को पहली बात तो पूरे इसको कैंसिल करना पड़ेगा. मुझे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा हाइट है ना लिक्विड कॉलम की, इसको हटाना पड़ेगा. तो इसको हटाने के लिए जितना प्रेशर ये लगा रहा है ए पॉइंट पे, उतना ही प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर मेरे को देना पड़ेगा. तो अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊँ, तो अगर जब हम ऊपर से नीचे जाते तो प्रेशर इंक्रीज होता है. नीचे जाऊँगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्लस होता जाएगा. ऐसे यहाँ से यहाँ जाऊँ तो नेगेटिव प्रेशर आएगा. ठीक है. तो मेरे को नेगेटिव प्रेशर लगाना है. ऑफकोर्स प्रेशर की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ रहेगी, तभी इसको हम कंप्रेस करके पानी को इधर इधर भेज पाएंगे. कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा तो इसको ख़त्म करने के लिए, ये जितना प्रेशर प्रोड्यूस करता है ठीक है ना, उतना ही प्रेशर हमको नेगेटिव में लगाना पड़ेगा. तो ये कितना प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो ये जो प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है ये एच ओ जी के बराबर प्रोड्यूस करेगा, दूसरा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है. तो टोटल प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्लस इस कॉलम का जो प्रेशर होता है वो. ठीक है. अब देखो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो टोटल प्रेशर हो जाएगा आपके पास पी नॉट प्लस एच रो जी. यहाँ पे जो एच होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल प्रेशर को, क्योंकि एच की वैल्यू होती है टू टी कॉस थीटा बाय रो आर जी, क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर ऐसे बनेगी. तो कैपिलरी राइज में जो हाइट होती है कॉलम की होती है टू टी कॉस थीटा बाय रो आर जी, और कॉस थीटा वाटर के लिए जीरो होता है, थीटा वाटर के लिए जीरो होता है, कॉस थीटा वन होता है. यहाँ से मैं एच रो जी तीनों को मल्टीप्लाई करके इधर ले लेता हूँ, तो मेरे पास एच रो जी की वैल्यू आ जाएगी टू टी बाय आर. तो ये जो एच रो जी आ रहा है उसकी जगह सब्सटीट्यूट करना है टू टी बाय आर. पी नॉट टी आर तीनों चीज़ें गिवन है, टी तो एसआई में है, रेडियस जो है डायमीटर की हाफ हो जाएगी, डायमीटर गिवन है, इसका हाफ करके इसको 10³ से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में आ जाएगा आंसर. तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, फर्दर सॉल्व करके ये हमारा आंसर हो जाएगा. थैंक यू.